कभी कुछ सरकारी भवन बनाए किसी और उद्देश्य से जाते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही नजारा सरकारी भवन मंडी में भी नजर आता है। इसे बनाया तो गया था राज्य स्तरीय हिमाचल ग्रामीण भंडार के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी और कार्य के लिए ही हो रहा है। वर्ष 2005 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण भंडार स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत मंडी जिला को एक बेहतरीन सरकारी भवन की सौगात दी। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 21 पर मंडी जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर पंडो के पास इस भवन का निर्माण किया गया था और नाम दिया गया था राज्य स्तरीय हिमाचल ग्रामीण भंडार भवन। उद्देश्य था स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक मार्केट मुहैया करवाना। करीब 1 करोड़ की लागत से बने इस भवन के प्रति स्वयं सहायता समूह ने कोई रुचि नहीं दिखाई है। वर्षों तक इस भवन का कोई इस्तेमाल नहीं हो सका है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहां पर ग्रामीण उत्पादों को बेचने की योजना थी, ताकि लोग यहां के हस्तनिर्मित उत्पादों को खरीद पाते और लोगों को आमदन होती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान पंडो के निदेशक के अनुसार मौजूदा समय में यहां पर पंजाब नेशनल बैंक का ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान चल रहा है। हालांकि ये संस्थान इलाके के बेरोजगार युवाओं के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि उन्हें घर द्वार पर स्वरोजगार का निःशुल्क प्रशिक्षण मिल रहा है। संस्थान के निदेशक के अनुसार 31 मार्च 2017 तक 2599 लोग प्रशिक्षण प्राप्त करके स्वरोजगार की राह में आगे बढ़ चुके हैं। शताब्दी ग्राम विकास न्यास नई दिल्ली द्वारा 1/6/2010 को जिला मंडी में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण युवा वर्ग जो बेरोजगार हैं, वे अपने पसंद के ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर के स्वयं का रोजगार शुरू कर सकें। इस उद्देश्य के साथ ट्रेनिंग चल रही है। अभी तक हम लोगों ने 31 मार्च 2017 तक 2599 कैंडिडेट को ट्रेनिंग किया है 112 बेच के माध्यम से। जो आरसेटी में हम सीख रहे हैं या सिर्फ बेरोजगारों के लिए ही एक अच्छा अवसर है, क्योंकि इसमें जो लड़के लड़कियां या अन्य घर में महिलाएं हैं जो बेरोजगार हैं, वो अपना एक रोजगार शुरू कर सकती है छोटे से शुरू। जैसे हम इसमें यह बताया जाता है कि हमें जरूरी नहीं कि बड़े से ही शुरू करना, हम छोटे से अपने घर से शुरू करके अपने लिए आजीविका कमा सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। वहीं इस बारे में उपायुक्त मंडी मदन चौहान का कहना है कि प्रशासन के पास जब भवन के सही इस्तेमाल का कोई रास्ता नहीं रहा तो फिर इन दुकानों को किसी और मकसद के पर किराए पर देना पड़ा है। आज यहां भू अर्जन अधिकारी का कार्यालय भी चल रहा है और इसके बदले में प्रशासन सभी दुकानों का किराया वसूल कर आमदनी कमाने में लगा हुआ है। उपायुक्त मंडी मदन चौहान की माने तो मौजूदा समय में एक सरकारी सभा ने यहां कुछ दुकानें किराए पर ली हैं और बाकी दुकानें किसी और कार्य के लिए किराए पर दी गई हैं। इसके अलावा वहां पे एक राजेश्वरी हैंडलूम वीवर्स एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनको जो है वो शॉप्स वहां पे दी गई हैं। एज सच आज की डेट में वो पूरा फुली ऑक्यूपाइड है, कोई भी उसमें खाली जो है वो जगह नहीं है, गेन फुली उस बिल्डिंग का इस्तेमाल हो रहा है। ये सारी शॉप्स रेंटल बेसिस के ऊपर है और इससे रेंट जो है हमें रेगुलर बेसिस पे प्राप्त हो रहा है। हमारे हिसाब से तो एक सफेद हाथी की तरह बन रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई 1 करोड़ रुपए इस पे खर्च हुए हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट जा रहा है। तो अगर मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ अगर चल पड़ता तो इससे सरकार को भी इनकमेंट थी, थोड़ा सा टूरिस्ट को भी बढ़ावा मिलना था, लेकिन काफी टाइम से ऐसे ही पड़े हुए बेकार।